ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसता है, वह एक दिन ज़रूर इतिहास रचता है, क्योंकि हर रोज़ हम अपने जीवन में एक नए संघर्ष से लड़ रहे हैं। और संघर्ष होना भी बहुत आवश्यक है, तभी हमें ज़िंदगी के सही मायने समझ में आते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो जाएं, लेकिन इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ों से निकली नदियाँ कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समुंदर कितनी दूर है, लेकिन एक दिन वो उस समुंदर में जाकर मिल जाती हैं। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो, बस चलते रहो। जब लोग कहें कि आप हार मान लो, तब आपके हृदय से धीरे से आवाज़ आती है कि फिर से एक बार कोशिश करो, आप ज़रूर कामयाब होगे। और यह सच्चाई भी है, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा सच्चाई ही बोलती है। तो आप मेहनत करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपका विश्वास टूटा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसने आपका विश्वास तोड़ा है, वह आपको एक सबक ज़रूर दे दिया है कि हमें सोच समझकर लोगों पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप तो उन लोगों की ही चिंता करते हैं जो आपको दुख देकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप उनके ही पीछे अपना समय व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, जो खुद से ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं। तो आप उन लोगों के विषय में सोचिए जो आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपकी कामयाबी का सपना देख रहे हैं। आप उनके सपने को साकार करिए, ना कि ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कीजिए जो आपको दुख देकर प्रसन्न होते हैं। लोग चाहते यही हैं कि आपका ध्यान भटके और अपने मार्ग से भट जाओ और आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त ना कर सको। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे बने रहो। एक दिन गवाही वह ईश्वर आपकी स्वयं देगा, और बहुत जल्द बहुत बड़ी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा, तभी इंसान को कामयाबी मिलती है। और कामयाबी अगर इतनी सहज होती तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होता, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करना, प्रयास करना नहीं छोड़ते। एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाओगे, बस कभी हिम्मत मत हारना और ख़ुद को इतना सशक्त और मजबूत रखना कि लोगों की बातें आपके विश्वास को, आपके मनोबल को कमज़ोर ना कर पाएं, क्योंकि आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं, ना कि आपके जीवन की भागडोर दूसरों के हाथों में हो। अपने जीवन की भागडोर खुद संभालिए, क्योंकि ये आपका जीवन है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए आप इस धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका प्रसन्न रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए दूसरों से ज़्यादा खुद की परवाह करो और मेहनत करते रहो, बहुत जल्द कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने बाबा पर विश्वास रखो। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को दुख उठाना पड़ता है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, और बहुत जल्द आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान सब आपको ज़रूर मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव।